पबजी या क्रिकेट? घंटा इक्वल इक्वल वाले ब्लॉग के कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मांगा हुआ एक फुल गुजराती ब्लॉग बनाओ। अब पता नहीं वो हो पाएगा कि नहीं, अब देखते हैं। ओए, अगर हम फुल गुजराती में ब्लॉग बनाए तो कैसा रहेगा? ठीक है। अगर हम फुल गुजराती में ब्लॉग बनाए तो कैसा रहेगा? कंफ्यूजिंग रहेगा। अगर हम फुल गुजराती में ब्लॉग बनाए तो कैसा रहेगा? एक नंबर। एक बोल रहा है कंफ्यूजिंग, एक बोल रहा है ठीक रहेगा। आप बताओ कमेंट सेक्शन में कैसा रहेगा। अबे तूने अभी भी यही टी शर्ट पहना है? कल रात को ही तो पहना। घंटा दिखा दे कबीर सिंह, ये मैं लेके जा रहा हूँ। इसके अलावा और कोई टी शर्ट नहीं है क्या तेरे पास पहनने के लिए? मेरे से ले जा, स्कूल का टी शर्ट पहन ले। तो क्या हो गया? ये सही है, ये वाला पहन लिया कर घर पे। अभी कौन सा 2 महीने बाहर जाना है पता नहीं। कोई टूर्नामेंट में इसको टी शर्ट मिला था तब से यही पहन के रखा। और ऊपर से इसका भी नहीं, पहले बोला था किसका है, इसके पापा का है। ये स्पेक्स अच्छे लग रहे हैं, मैं लेके जा रहा हूँ। ठीक है। यस इट इज माइन नाउ। सो दिस इज हाउ यू टेक स्टफ फ्रॉम योर कजन्स। हाँ तो वैसे हम बना सकते हैं फुल गुजराती व्लॉग, बट बात ऐसी है कि कुछ लोगों को ही समझ में आएगा जिन लोगों को गुजराती आता है, बट मेरे ख्याल से मैक्सिमम कमेंट्स वही थे, तो देखते थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अभी थोड़े से अजीब लग रहे हैं, मैं इसको वापस कर दूंगा बिकॉज छोटी फ्रेम मेरे फेस पे अच्छी लग रही। मेरा फेस थोड़ा सा बड़ा है। वो व्लॉग मैं बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। फुल गुजराती व्लॉग तो हमको और इंटरेस्टिंग लगेगा, जो लोग भी गुजराती हैं उन लोगों को और इंटरेस्टिंग लगेगा देखने में, बिकॉज ऐसा कोई व्लॉगर है नहीं जो सिर्फ गुजराती में व्लॉग बनाता हो। हम लोग पूरे टाइम वही नहीं करेंगे, सिर्फ एक व्लॉग पर्टिकुलर पूरा फुल गुजराती बनाएंगे जो 50K पे होगा। थोड़ा बहुत स्पेशल रखते हैं उस व्लॉग को बिकॉज 50K के हम बहुत ज्यादा क्लोज है। सबके घर में जितने भी फोन है, सबके सब फोन में जाके सब्सक्राइब कर दो अपने चैनल को एंड हिट द लाइक बटन एज वेल। जितने भी व्लॉग में कर सकते हो अपने इंडिया रीजन की जितनी लैंग्वेज में सीख सकता हूँ उतनी मैं कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज जितना भी मैं अभी मुंबई में रहा था अपने सेटिवल गेमिंग हाउस में, वहाँ पे मैं हमेशा थोड़ा बहुत ट्राई करता मराठी सीखूँ, बिकॉज जब भी कोई बात कर रहा था जैसे उन्होंने बोला कि काय झाला, और उस फ्रेज को मैं पकड़ के किस टाइम पे बोला तो मैं उसमें सीखने की कोशिश कर रहा था काय झाला, तो उसके मतलब क्या कर रहे हो या तो कैसे हो, मेरी ख्याल दोनों में से एक ही होगा, बिकॉज फ्रेज मैं पकड़ता हूँ किस चीज़ के लिए वो लोग बोल रहे हो, फिर मैं सीखता हूँ धीरे धीरे करके। मेरे को पंजाबी भी थोड़ी बहुत आती है बिकॉज दिल्ली में रहो तो समझ सब कुछ आती है, बट बोलते टाइम कुछ ही वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं बोल सकता हूँ का मतलब मेरे को पता है कि कहाँ यूज करना है, बट कोई मेरे को बोल रहा है तो हम लोगों को सारी चीज समझ आती है। आप लोगों को कौन कौन सी लैंग्वेज आती है कमेंट सेक्शन में बताओ, बिकॉज इंडिया में हमारे पास बहुत लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, सीखने के लिए आप मरते दम तक सीखते रहोगे, इतनी लैंग्वेजेस है पूरे वर्ल्ड में भी, बट आपको भी कौन कौन सी आती है कमेंट सेक्शन में बताओ। गुजराती, इंग्लिश, मराठी समझ आ जाती है, पंजाबी भी समझ आ जाती है, बट मराठी एंड पंजाबी बोलनी नहीं आती है। 2 hours later. अभी बज रहे शाम के 6:30 और टेरेस पे आया हुआ था, आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका है मेरे को टेरेस पे आया था, ये लोग बिल्कुल नहीं आए, पबजी खेल रहे हैं। पहली बार नीचे बैठे, पहली बार तो ये समझ नहीं आया, मैं अभी सबको बोलता हूँ जो कॉम्पिटेटिव प्लेयर नहीं है इतना उन लोगों को खेलना नहीं चाहिए, लाइक 2 घंटा खेल लिया 3 घंटा खेल लिया, बट ये लोग ऑलमोस्ट वहाँ पे सनसेट हो चुका है, ये लोग अब आए हैं खेलने के लिए, अभी अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में। ये लोग पता नहीं कि पबजी कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स को खेलना चाहिए पूरे दिन, बट ये लोग को मैं मना करता हूँ बिकॉज फायदा नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है 3-3, 4-4 घंटे खेलने का, क्या ही होगा। कॉम्पिटेटिव प्लेयर अगर मैं खुद इनको बैक करूँ, अगर कॉम्पिटेटिव खेलना है तो फिर समझ में आता है कि पूरे दिन खेलो। एक कस्टमर मिल गया पूरे दिन उसी में पड़े रहते हैं, आईडी पासवर्ड मिल गया चले गए खेलने के लिए। पबजी या क्रिकेट? घंटा इक्वल इक्वल। पबजी या क्रिकेट? पबजी। वो तो देख ही लिया, देख लो पबजी, मेरे को आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ, ऊपर मजाक थोड़ी है, वो क्रिकेट खेल रहा था आराम से, सिंगल हैंड लेके अपना आराम से इधर नॉकिंग कर रहा था। अरे बैठ, आधे आधे घंटे लेट आते। पबजी या क्रिकेट? क्रिकेट। अबे घंटा घंटा देख लिया अभी, आधे घंटे तक कौन नीचे बैठा हुआ था, क्रिकेट होता तो घंटा मैच था। मैच कौन सा, तू कॉम्पिटिटिव प्लेयर है? क्लासिक स्टार्ट हो चुका घंटा, क्लासिक स्टार्ट, क्लासिक मैचेस में स्ट्रीम पे बंद करके बाहर निकल जाता हूँ और ऊपर से क्रिकेट नाम ले रहा है, शर्म आनी चाहिए तेरे को। हट। क्रिकेट और पबजी? आजकल के जनरेशन का कुछ नहीं हो सकता, इन लोगों को ना ये क्रिकेट वगैरह चीजें समझ नहीं आएंगी, ये 10 साल बाद जब बड़े होंगे ना तब बोलेंगे कि काश क्रिकेट खेल लिया होता, और आज मैन ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बैट्समैन, ऑलराउंडर।
तो पतंग भी उड़नी शुरू हो चुके हैं, पतंग भी अब 15 अगस्त। बाय द वे यहाँ पे दिल्ली में 15 अगस्त वाले दिन पतंग उड़ती है। हमारे पास भी पतंग पड़ी हुई है ना, मेरे पास तो लास्ट ईयर की पड़ी हुई है। हाँ, तो मान जा, तो मान जा। हमारे पास पतंग पड़ी हुई है शायद, यहाँ पे मैंने देखी थी। हाँ पड़ी हुई है यहाँ पे, 3-4 पतंग पड़ी हुई है। दिल्ली में बहुत लोग उड़ाने लग गए, अभी तो जस्ट अप्रैल ही है, अभी तो अप्रैल 25 ही हुआ है। यहाँ पे बहुत लोग आगे भी उड़ा रहे हैं और यहाँ पे तो 3-4 उड़ रही है अपने पास। देखते हैं इन लोगों को भी थोड़े दिनों में साफ करेंगे, अभी मन नहीं करे इसलिए पतंग उड़ा नहीं रहे हम लोग। जैसे मांझा वगैरह सब पड़ा हुआ अपने पास। ये होशियार, एक बॉल तो हम लोग की, ये दूसरी बॉल थी जो मेरे पास पहले बहुत पुरानी, जब मैं एकेडमी जाता था तब की एक बॉल मिली थी मेरे पास, उससे आज खेल रहे थे। इस वाले घर पे गई थी हमारी बॉल जिस दिन हम रात को ऊपर आए थे, इस आइटम ने फेंकी हाइपर एक्स वाले कैप के अंदर, उसने डाली थी बॉल और बॉल भी गई और कैप भी गई आइटम। होशियार, अब सारी चीजें ना सिस्टमैटिक वे में चलने लगी, बिकॉज जैसे पहले मैं ये वाले व्लॉग सारे मैं KTN गेमिंग वाले चैनल पर डालता था, तो ऐसा लगता था कि मेरी गेमिंग वाली जो ऑडियंस है वो इसे देखेगी नहीं देखेगी, या तो फिर पसंद आएगा नहीं आएगा, बिकॉज ये नॉर्मल व्लॉग्स है ना कि मेरे जो गेमिंग रिलेटेड व्लॉग्स है। गेमिंग रिलेटेड व्लॉग कोई नहीं है, वो सारे व्लॉग इसी चैनल पे आएंगे। कहीं भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, सारे व्लॉग इसी में आएंगे। तो वो लैंड टूर्नामेंट वगैरह के, लैंड टूर्नामेंट हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ इसमें आएगा। तो ये पहले टेंशन होती थी कि अब गेमिंग चैनल में क्या डालूं, बट अब सब कुछ सिस्टमैटिक वे में चल, मेरे को पता है कि उसमें गेमिंग वीडियोज जाने और इसमें व्लॉग्स आने हैं, तो अब सब कुछ स्मूथ चल रहा है ना, आप लोगों को भी पसंद आ रही है, एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट। सो पानी डाल दे, खत्म हो गया है पूरा, वो दूसरा पानी डाल दे। होशियार, फाइनली वी आर बैक नाउ। यार एक तो हमको ना रिकॉर्ड करना पड़ता पूरा फैन ऑफ करके, गर्मियां आ गई हैं, गर्मियों में भी हम लोगों को फैन ऑफ करके रहना पड़ता है, बिकॉज आवाज ज्यादा माइक में ना जाए और थोड़ा सा डिस्टॉर्शन ना तो सुनने को मिले आप लोगों को। बट हाँ, मैं जो कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स की बात कर रहा था, जो कैजुअल प्लेयर्स है, ये चीज आपको कोई इतना पबजी इन्फ्लुएंसर बताएगा नहीं, बिकॉज ये हम लोग जो गेम खेलते हैं, हम लोग इस चीज को बताते हैं आप लोगों की, हम इतना खेलते हैं, इतना हम लोग टाइम सेक्रीफाइस करते हैं, बट कोई ये नहीं बताएगा कि आप लोगों की आपको क्या करना चाहिए। दिस इज द राइट थिंग टू डू। आप लोग अगर कॉम्पिटेटिव प्लेयर हो, मैं भी पर्सनली बोलूंगा कि आप उसको टाइम दो, 4-5 घंटे 6 घंटे आप खेलो दिन में, बिकॉज वही आपका काम है, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू प्राइमरीली आगे जाके। बट अगर आप अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हो तो फिर आप उसको खत्म करके फिर जितना थोड़ा बहुत टाइम मिलता है पबजी खेल सकते हो। अब आप लोग बताओ कि आप लोग कितने कितने घंटे खेलते हो पबजी, मेरे को कॉमेंट सेक्शन में दिख जाना चाहिए। आई नो मैंने दो चीजें पूछी आज कॉमेंट सेक्शन में, बट बता देना, बिकॉज ये सारी चीजें मैटर करती है, मेरे को पता चले ना कि हमारी ऑडियंस किस तरी, हमारी ऑडियंस कितना पबजी खेलती है, तो एक बार बता देना। भाई भी बहुत पबजी मोबाइल खेला हम लोगों ने, सबने बैठ के, सबसे जो भी मेरी टीम में आ रहा था वो सब जीत रहे थे, वही जीत रहे, दैट वाज अ फैक्ट। ये आया मेरी टीम में, ये जीता, फिर ये सामने गया। एक सेकंड, हम दोनों का गन पावर बढ़ी है, हम दोनों का टट्टी है। कौन टट्टी है? अच्छा ये भाई, तो वैसी टट्टी, ये वैसी टट्टी है। GDM जो क्लासिक में है, घंटा क्लासिक में, क्लासिक एरिना में इसकी M24 तो खुली नहीं है। अबे हट सारे घर वाले बैठ के ऑनलाइन तंबोला खेल, आसपास के एरिया में जितने भी लोग हैं सबके सब ऑनलाइन कनेक्टेड है, पता नहीं कोई गेम के साथ, एंड दे आर प्लेइंग तंबोला ऑनलाइन सबके सब। और कल इनका पबजी मोबाइल का भी मैच है, कल सारे लोग बच्चे, मैं आईडी पासवर्ड बना के इन लोगों को देने वाला हूँ, और ये सब आसपास के जितने भी लोग हैं सबके बैठ के खेलने वाले। सही है, लॉकडाउन में कुछ ना कुछ तो करना है, तो सबके सब बैठ के आसपास वाले कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, तंबोला चल रही है, पबजी मोबाइल चल रही है ऑनलाइन, कल पबजी वाले का मैच है। ये मेरी नाक कटवाने, ये बचा लेगा थोड़ा बहुत, बट बाकी लौंडे उनका कुछ, वो नाक कटवाने वालों में से ये थोड़ा बहुत खेल लेगा, थोड़ा बहुत। ये कोरोना वायरस के जितना एक सेम वायरस है, बट इन लोगों की बताने को ड्राइंग बुक है, इन लोगों ने स्केच बना रखे, लग अच्छे रहे, बहुत बढ़िया है, बट इसमें से एक आपको सचिन तेंदुलकर का वो दिखाता हूँ, सचिन सर का हमारे, जैसे बच्चे जैसे लग रहे हैं, जैसे लग रहे हैं अंडर 16 के, जब वो कहते हैं एक्चुअली अंडर 16 वाला ही है, अ प्रोडिजी एट 16, अ लेजेंड एट 34, क्रिकेट हाईएस्ट सेंचुरी मेकर, ही हैज मेड हिज बैट टॉक फॉर 17 लॉन्ग ईयर्स। एक्चुअली मेरे को लगा कि बच्चों वाली इन लोगों की क्यों बनाई है, बट बाद में पता चला कि 16 साल में डेब्यू करा था, इन लोगों ने स्केच बनाया, बहुत सही स्केच है। अबे तारा तो खाली बेस्ट है, जाने थे अबे तीनों बैठ गए। That sums up my day. आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गया, मजा करे बहुत सारे, और आखिरी में भी हम लोग अभी जस्ट तंबोला खेले थे पूरी फैमिली के साथ। अगर आप लोगों को वाला वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप नए हो तो। इन लॉकडाउन वाले ब्लॉग्स बताना आप लोगों को कैसे लग रहे हैं वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में इस वाले के, सो बिकॉज मेरे को भी पता चले कि वट आई कैन डू डिफरेंट एंड क्या क्या चीज़ हम कर सकते। ऑल्सो कल अपने घर का वाटर टैंक क्लीन करने वाले ग्राउंड फ्लोर पे जो है, अगर मैं नहीं अपलोड करूंगा, रिकॉर्ड तो मैं करूंगा ही, हालांकि अपने हार्ड डिस्क पे मैं उसको रिकॉर्ड करके अब सेव तो
करूंगा। अगर आप लोगों को भी वो पार्ट चाहिए वो देखना तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। बट आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, अगले ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए एज ऑलवेज बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।